वेलकम बैक टू अरुणाचल डेली करंट अफेयर सीरीज एंड टुडे इज 3rd of August। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। सही आंसर है एस्टीबेन ओकोन। इस साल 2021 1 अगस्त को जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ हंगरी में, उसके विनर रहे एस्टीबेन ओकोन। आप सभी को याद होगा कि ग्रैंड प्रिक्स जो है वो फॉर्मूला वन रेसिंग से एसोसिएटेड है, राइट? आगे बढ़ते हैं। सिंधु बीट Which player to win bronze in women's single badminton event at Tokyo Olympics 2020? तो पीवी सिंधु ने किसको हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है? सही आंसर होगा हे बिंगजाओ। हे बिंगजाओ ये बैडमिंटन प्लेयर है, इन्हें हराकर पीवी सिंधु ने विमेन्स सिंगल टाइटल को टोक्यो ओलंपिक्स 1 अगस्त को जीता है। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the new controller general of accounts of India? द करेक्ट आंसर इज दीपक दास। दीपक दास को अभी अभी भारत का कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC? तो UNSC की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया करने वाला है। जिनको होस्ट इंडिया करता है वो क्वेश्चंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। इंडिया विल अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट 2021। जनरल असेंबली के बारे में अगर हम बात करें तो ये UN का मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। इसके बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता। जो भी UN के मेंबर्स हैं टोटल 193, वो सभी जनरल असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं और UN बॉडी को यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है। हर साल सेप्टेम्बर में पूरा UN मेंबरशिप मीट होता है जनरल असेंबली हॉल में, जो कि न्यूयॉर्क में है, फॉर द एनुअल जनरल असेंबली सेशन। और उसमें देखा जाता है कि हेड्स कौन होंगे, किस तरीके से अटेंड किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा, क्या इश्यूज हैं, सभी चीजों पर चर्चा होती है। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं पीस और सिक्योरिटी को लेकर, नए मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर, बजटरी मैटर्स को लेकर, इन सभी चीजों पर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस लिए जाते हैं। और हर एक डिसीजन को लेने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है। रिमेंबर 2/3 मेजॉरिटी। और अगर कोई सिंपल सा क्वेश्चन है तो वहां पर सिंपल मेजॉरिटी के साथ डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन अगर पीस सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, नए मेंबर्स या बजटरी मैटर से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर है तो यहाँ 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर बाय असेंबली टू सर्व अ 1 year टर्म ऑफ ऑफिस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि UN के कितने मेंबर्स हैं, 193। प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, 1 year का। डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, स्पेशल मैटर्स 2/3 मेजॉरिटी के साथ और सिंपल क्वेश्चंस सिंपल मेजॉरिटी के साथ, राइट? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आगे बढ़ेंगे। इसुरु उडाना हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेड एज लेफ्ट आर्म फास्ट बोलिंग ऑलराउंडर फॉर विच कंट्री। सही आंसर है श्रीलंका। इसुरु उडाना किस देश से बिलोंग करते हैं, ये श्रीलंका के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। आगे बढ़ेंगे। खुदिरन टनल हैज ओपन पार्शियली इन विच इंडियन स्टेट। ये ओपन की गई है केरला में। वन साइड ऑफ केरलास फर्स्ट ट्विन रोड टनल द खुदिरन टनल ऑन द थ्रिसूर पलक्कड़ हाईवे वॉज ओपन फॉर ट्रैफिक ऑन 31 July 2021। एग्जाम में काफी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से टनल किस स्टेट में है, तो आपको याद रखना होगा कुथिरन टनल ये केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन मेन्स फील्ड हॉकी टीम हैज वॉन हाउ मेनी ओलंपिक गोल्ड मेडल्स आफ्टर 1928? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 8 मेडल्स अभी तक भारत ने ओलंपिक्स में जीते हैं। पहला मेडल जो था वो 1928 में था, इसके बाद 1932, 1936, 1948, 1952, 56, 64 और 1980 में आखिरी मेडल इंडिया ने हॉकी में जीता था। उसके बाद से कोई भी मेडल हॉकी में हमारे पास नहीं आया है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आखिरी मेडल इंडिया ने कब जीता या किन ओलंपिक्स में जीता। 1980 में मॉस्को ओलंपिक गेम्स ने इंडिया में मॉस्को ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। उस समय जो टीम को लेड कर रहे थे वो थे वी भास्करन, राइट? तो वो हमारा 8th गोल्ड मेडल था हॉकी की फील्ड में। उसके बाद से कोई भी गोल्ड मेडल इंडिया में नहीं आया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
Who among the following will lead the Indian delegation at G20 Culture Ministers Meeting? G20 की जो कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग होने वाली है उसको हेड करेंगी मीनाक्षी लेखी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर कौन है इंडिया में, तो मीनाक्षी लेखी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर है जो कि G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में लीड करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को काफी सारे इवेंट्स होते हैं, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो ऑप्शंस देखकर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट? तो नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे हर साल 1 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि माउंटेन्स की कितनी ज्यादा ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस होती है, काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेस हमें वहां से मिलते हैं, काफी सारे नेचुरल बॉर्डर्स माउंटेन्स के द्वारा बनाए जाते हैं दो देशों के बीच में या दो ज्योग्राफिकल फीचर्स के बीच में, तो कई सारे लोग इन्हें एडमायर करने के लिए उन्हें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जो लोग एडमायर और एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो कई बार माउंट क्लाइंबिंग जैसे इवेंट्स करते रहते हैं, राइट? अब इस दिन को क्यों सिलेक्ट किया गया? ये दिन स्टैब्लिश किया गया था टू ऑनर बॉबी मैथ्यूज एंड हिज फ्रेंड जोश मैडिगन, जिन्होंने न्यूयॉर्क की 46th पीक को सक्सेसफुली क्लाइंब किया था एडिरोंडेक माउंटेन्स में। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने माउंट क्लाइंबिंग को लेकर इतना इंटरेस्ट दिखाया 1 अगस्त को ही। तो 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे बॉबी मैथ्यूज के ऑनर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। याद रखिएगा एनपीसीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि आप देख रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स कितना ज्यादा हमारे इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट्स ही नहीं, हर चीज में डिजिटलाइजेशन एक नया दौर लेकर आ रहा है, राइट? तो एनपीसीआई इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में। अभी इसके जो चेयरमैन है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वो है विश्व मोहन मोहपात्रा। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, एमडी और सीईओ है दिलीप आजबे। रिमेंबर दिस थिंग। आज न्यूज थोड़ी कम थी क्योंकि ट्यूजडे है और कल हमने 2 दिन की एक साथ न्यूज कवर कर ली थी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विद एजिनाचल।